बॉडी फैट है, ये सभी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के 8 मंथ्स तक की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्म्स के लिए पहले अपर बॉडी का वर्कआउट करना है, तो हमने अपने आर्म्स को फ्लेक्सिबल करना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 हल्का सा पैरों को मोड़ते ये पूरी बॉडी को पहले एक्टिव कीजिए। 1 सांस भी लेते रहिए छोड़ते रहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तुम्हारा थोड़ा ठीक नहीं था, तुम ना बिल्कुल आराम आराम से यूं मस्ती में, अरे दम लगाओ जरा ऐसे, ये कमर बिल्कुल सीधी, कंधे सीधे पीछे के, तुम अभी थोड़ा और एक बार और कर लो इसकी वजह से, एक बार और करो। हाँ अब जब दम ऐसे ऐसे करो, हाँ दम लगा के करो जरा। पैर को मोड़ देते हैं वो तो पैर ऑटोमेटिकली मोड़ेंगे, आपने ध्यान देना ऐसे स्ट्रेच पे। बस जितनी क्षमता हो धीरे धीरे। सेकंड एक्सरसाइज आर्म्स पैड, ब्रेस्ट पैड को, ब्रा बेल्ट को, कुछ भी को, बस जिनके घुटने में दर्द है वो थोड़ा, अक्षिता तुम भी पीछे पैर को ज्यादा नहीं ले जाओगे, और बाकी तुम करोगे तो कंप्लीट ये। आओ ऐसे वैसे उधर, हाँ पैर को तुम ज्यादा पीछे नहीं ले जाओगे, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 20 सेकंड का रेस्ट। इतने लाइव यूट्यूब के हम रिजल्ट्स देख लें, टेल बोन में पेन ठीक हो गया और मैं बहुत एक्टिव भी हो गई हूँ। थैंक्स मैम, आप जैसा कोई नहीं सिखा सकता। नहीं जी, आप सीखने वाले हो इसीलिए हमें भी बहुत खुशी है। मैम मेरा वेट 86 से 75 हो गया है, थैंक्स, 2 मंथ्स में 86 से 75 कितना हो गया, 11 किलो हो गया। क्या बात है, ये तो सामने जूम पे अलग है, ये तो यूट्यूब के रिजल्ट्स हम बता रहे हैं, जो सिर्फ वीडियोस देख के, किस शिद्दत से देखनी है, किस शिद्दत से मेरी बात सुनी, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नौ सेशन में आके भी सोए सोए चल दो लोरी से सुन के, आहा हाथ चलाए, मैंने कहा हाथ चला। ताकत होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। इसे 1 घंटे के बाद मिलोगे क्या तुम अपने आप से, ये बताओ पहले, 1 घंटे बाद मिलोगे? ताकत लगा के इनके रिजल्ट देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि 86 से 75 आना, टेलीफोन की प्रॉब्लम ठीक हो गई। अभी पीछे किसी ने पूछी थी, सारी उस दिन टेलीफोन की रोज डेली अपलोड कर रहे हम, लेकिन तुम सोचते हो 1 घंटा यहाँ देख लिया तो सब हो गया काम, थोड़ा लगना पड़ता है मैं क्या चीज बोल रही हूँ, क्या कौन सी वीडियो में कौन सी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा भाई करो ना तो देखो जरूर नॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी अब हम पैरों को एक्टिव करेंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए रेनबो स्ट्रेच होता है, 1 2 3 4 जिनको कोई पैरों की प्रॉब्लम है वो तो सिर्फ यहां तक उठाएंगे। अब इसमें हमारा स्पाइन भी कवर हो रहा है, हमारे नीक की प्रॉब्लम भी, और हमारा आर्म्स फैट भी, ध्यान से देख लीजिए। ये बस ये वैसे ये एक्सरसाइज होते, अब ये चीज कम हो जाएगी। और तो जिसमें जितनी क्षमता है, जो 50+ लोग हैं वो सिर्फ, तुम्हारी बैक में पेन था ना अभी, तो थोड़ा धीरे करना, पैर ज्यादा नहीं उठाना। हाँ आप अक्षिता चेयर पे बैठोगे, आप चेयर पे बैठ के करोगे क्योंकि थक गए हो प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि स्टैमिना मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ है, तो आप, मैं चेयर पे बैठी हूँ, आप ये पूरा पैर उठाकर, सेम यही चीज चलेगी, पैर पे उठाते रहिए। वेरी गुड,
बहुत सुंदर। तो ये आज हम सारा आपका बैक फैट, ब्रा बल्ज, साइड फैट, बैक पेन को ध्यान में रखते हुए, वेरी गुड, करते रहिए करते रहिए 45 सेकंड्स। अरे वाह, 3 महीने बाद पीरियड्स हुए हैं, फ्लो ज्यादा है, बैठ के कर सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल जी, इतनी बढ़िया खुशखबरी सुना दी आपने तो, बूंदी के लड्डू और भिजवा देते 3 महीने बाद पीरियड्स का आना कोई आसान बात नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 महीने बाद ये क्या प्रॉब्लम कम है प्रभा मंत्री जी? ये क्या लोग कहते हैं वजन बता दो, वजन कैसे जाएगा, डाइट बता दो, और जो चारों तरफ प्रॉब्लम्स फैली हुई उनको नहीं देखता, वजन वजन वजन। अरे वजन से पहले 36 प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए कि आपका टाइम से उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, सोचना, सब कुछ ठीक होगा तो वजन तो ऑटोमेटिकली गिफ्ट में मिलने वाली चीज है। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज हो गई वार्म अप वेट लॉस के लिए, फिर ये जो बताइए मैंने, 1 आओ आगे, सांस छोड़ दिया, फिर गहरा सांस भरते पीछे तक जाओ, यहां यहां थोड़ा सा दबाव यहां आना चाहिए, आया दबाव, फिर सांस को छोड़ो, गहरा सांस क्रॉस करते, ये फिर से 2 हाथ सीधे बिल्कुल पीछे, देखिए 2 हाथ सीधे, सांस बाहर, रिलैक्स, 20 सेकंड का रेस्ट। 3 एक्सरसाइज बताई थी, 3 वार्म अप एक्सरसाइज थी, ये दूसरी बताई थी, यहां हाथ रखिए और हल्का सा चेस्ट को पीछे खींचा और इन दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर दिया ऐसे, ये, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 बोलो 30-40 काउंट्स होने चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार और इसी में कपाल भाती कर जाओ, भस्त्री का कपाल भाती, बस सांस को गहरा करते रहो, अब पता लगा इसको रिलैक्स कर लो ऐसे। लेकिन इसके साथ ही मैं बता दूं, खाली एक्सरसाइज से नहीं ये कम होने वाले, ये जो डोले इकट्ठे कर रखे हैं खूब मोटे मोटे, इसके साथ 12 बजे से पहले नमक नहीं खाना होगा, 12 बजे से पहले नो सॉल्ट, एप्पल स्मूदी ले सकते हैं आप, ठीक है, और शाम को 7 बजे के बाद, और हफ्ते में एक दिन लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट में भी आप सुबह पंपकिन जूस, ठीक है, फिर नारियल पानी नाश्ते में, फिर 12 बजे छाछ, 4 बजे ग्रीन टी या कोई अदरक की चाय, इवनिंग में आप मखाने का दूध, कितनी हेल्दी डाइट है, तो 5-6 लिक्विड डाइट लो मस्त रहो। लेकिन मन कैसे बने, जो सब्जी बन गई उसका क्या करें फिर उसका क्या करें, लेकिन हफ्ते में एक दिन, जिस दिन अच्छी सब्जी बनी उस दिन मत रखो, लेकिन जिस दिन आपकी पसंद की सब्जी ना बनी हो उस दिन गंदी बनाओ, लेकिन उस दिन आप लिक्विड डाइट खींच के रख लो, एक बार लिक्विड डाइट का एक्सपीरियंस हो गया तो अगले दिन एकदम 1 किलो जाता है, 1 किलो में जाता 400 ग्राम है, लेकिन 1 किलो एकदम जो दिखाते ना, जो मोटिवेशन मिलती है, एकदम जो वजन डाउन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3rd एक्सरसाइज, ध्यान से सुनिए, इसमें हमने कुछ नहीं करना, यहाँ कमर पे हाथ रखना, ये जिनको बैक पेन है ये काउंटिंग बोलो, पास को आगे आ जाओ, तो 3 एक्सरसाइज वार्म अप एक्सरसाइज बताई मैंने, और 3 ये ब्रेस्ट फैट बैक फैट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। क्योंकि अगर बॉडी नॉर्मल है तो 20 बार काफी है, लेकिन अगर ये चर्बी लटकी हुई है तो फिर आपको 40-50 बार करनी पड़ेगी। हाँ स्वाति अग्रवाल जी, आप रुक सकते हो, आपकी मेरे क्या बाजू सही है ये शायद, स्वाति अग्रवाल आपकी बाजू ही मेरे क्या सही है, हाँ तो ये उनके लिए जिनकी बाजू हैवी है, तो उनको 50 बार, ठीक है, तुम्हारी इंपॉर्टेंट है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज्यादा है। अब इन्हीं के लिए, गायत्री के लिए,
जिसमें हम बैक पेन को कवर कर रहे हैं और आर्म्स पैड और बैक पैड। वन टू आ जाओ बॉल के सहारे आओ। ये प्रैक्टिस रोज करनी है, ये अर्ध चंद्रासन की प्रैक्टिस है, ये देख लीजिए। वन सांस भरोगे, जिनको बीपी अस्थमा रहता है तो 10 मिनट का वर्कआउट हो गया, क्योंकि देख तो हमें काफी लोग रहे हैं, तो आप हमें लाइक करके बताइए वीडियो को कि इस वीडियो को अपलोड किया जाए या नहीं किया जाए। सही। वैसे तो हम अपलोड करते ही रहते हैं। वेरी गुड। देखिए बढ़ाइए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, जाइए पीछे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। 10 मिनट का वर्कआउट ये हफ्ते में 3 दिन जरूर करेंगे, जिनका भी आर्म्स फैट है, ब्रा फैट है, राइट, वो हफ्ते में 3 दिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, फिर दोनों हाथों को एक साथ। वेरी गुड। रोके रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। 20 सेकंड का रेस्ट। पूरा सांस लीजिए। हाँ बैठ जाओ अक्षिता, बैठ जाओ। हाँ एक चीज और बता दूं, इनके बैक पेन के लिए बहुत ही लाजवाब, ठीक है, पहले करेंगे नहीं, पहले मुझे देखेंगे, पहले एक्सरसाइज को समझेंगे, एक बार मैं बता दूं। उसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएंगे, ठीक है। और कई बार बैक पेन में ना, ध्यान से सुनिए, ये जो चीज है ना हमारी, ये गहराई वाली है, ऊपर उठी रहती है ना, तो इस बात को ध्यान से, जब हम लेट रहे तो हल्का सा चेस्ट को ऊपर उठाओ और इसको नीचे दबा दो, रिलैक्स छोड़ो। सांस बाहर निकालेंगे तो ये दब जाएगी। हाँ ये ध्यान से देखो, मसल्स को मैं रिलैक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा हिल के ना, अभी आपको फील होगा, अभी बता दूं पूरी बात। तो आप बिल्कुल लेट के ना अपनी बॉडी को ऐसे ऊपर नीचे अपने तरीके से एडजस्ट कीजिए। हम अब सीधे लेट गए तो मेरी बीच की जगह वो ऊपर की हुई, अब मैं देखो दबाया, थोड़ा नीचे प्रेस किया मैंने, ठीक है। पहला स्टेप तो ये याद रखोगे, दूसरा स्टेप दोनों पैरों को रिलैक्स। अब इसको भी मैं आगे से करके इसको भी रिलैक्स कर रही हूँ कि ये चीज मेरी बिल्कुल जमीन पे रहे, बिल्कुल। तीसरे स्टेप में ये देखिए, दोनों हाथ सिर के नीचे। चौथे स्टेप में बिल्कुल उसी तरह करना है। चौथे स्टेप में आप ना ये चीज, इतना गैप जरूर है, ये देख लीजिए मेरा, बिल्कुल मैंने टच नहीं किया है, 4 उंगल का गैप रहेगा ये, ठीक है। पांचवे स्टेप में मैंने क्या करना है, लेफ्ट साइड और ये कंधा नहीं उठाना, और फिर झुकने के बाद राइट लेग 1 2 3 4 5 ये नीचे बिल्कुल 6 7 8 9 क्या जबरदस्त, 3 दिन में आपका बैक पेन में। गहरा सांस लिया, ये सुप्त मत्स्येंद्र आसन की वेरिएशन है, मैंने दूसरा तरीका तो आपको सिखाया हुआ है। गर्दन दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक राउंड के बाद आप दोनों पैरों को, मसल्स को थोड़ा रिलैक्स होने दो। अभी ये जो मसल्स ऊपर गई हैं, इसको दोनों पैरों में गैप रख के पूरा सांस लेके उसे स्पाइनल कॉर्ड तक महसूस करोगे, रीढ़ के अंतिम छोर तक। 3 राउंड करेंगे हम। आओ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, गलती कोई नहीं करेगा, राइट, गलती कोई नहीं करेगा। जितने भी जूम के मेंबर्स हैं, बिल्कुल जिस तरह से स्टेप्स आपको बताए हैं सेम उसी तरह, क्योंकि एक चीज का फायदा लेना तो ब्रीदिंग के साथ करना पड़ेगा आपको। उल्टे सीधे तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके से करने में लगती है मेहनत। तो पहले बिल्कुल बॉडी को एडजस्ट करो शवासन में। हाँ आप चेक करो कि आपकी ये हमारी ये वाली बैक मसल्स कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई गैप है ये, इसको सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर करो, रिलैक्स छोड़ो, यहाँ की मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ो, ये गैप तो नहीं है आपका, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए। और ढीला टाइम लगता है मसल्स को रिलैक्स होने में। हाँ हिल के अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए, तो आप देखो कि 3 दिन में इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि आपको फील होगा कि मसल्स में ताकत आई है। क्योंकि मेरी बात सुनिए, अगर अपर बॉडी का फैट ज्यादा है, ब्रेस्ट फैट ज्यादा है, तो वो हमारे कोर मसल्स में और बैक की मसल्स में पेन आएगा ही आएगा,
सेकंड स्टेप पैरों को मोड़ लीजिए, फिर से बॉडी को एडजस्ट करो और ये चार उंगल का गैप यहां हल्का सा कम करो, ठीक है। दोनों हाथों को सिर के नीचे हल्का सा गैप कम करो, बस। हाँ, लेफ्ट साइड। अब ऊपर वाले पैर को उठा के जैसे आपको बताया, बस यहां खिंचाव आना चाहिए पूरा, आंखें बंद। हाँ, और करो आगे। हाँ, इसको नीचे की तरफ, गर्दन लेफ्ट साइड, आंखें बंद। वन, खींचते जाओ हल्का सा, देखो स्ट्रेच फील करो कि कहां तक आ रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। धीरे से वापस, फिर से गहरा सांस। आप देखोगे लगातार तीन चार दिन प्रैक्टिस करने से आपके बैठने का खड़े होने का पोस्चर चेंज हो जाएगा। सांस को बाहर निकालिए, डाउन कीजिए। पहले दोनों पैर एक साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे ये, फिर ऊपर वाला पैर एडजस्ट करो, इसको मसल्स को और स्ट्रेच करो। हाथ नीचे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। धीरे से वापस सांस को सामान्य करो और दोनों पैर सीधे करके सीधे रखो और दोनों पैरों में उतना गैप जितना आपके मैट में गैप है, और हाथों को ढीला छोड़ दो फिंगर्स को खोलकर। अपना पूरा ध्यान बैक मसल्स पर और पेट पर, पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। सिर्फ एक हफ्ते में पूरी एनर्जी आ सकती है बैक की मसल्स में। इसका एक और राउंड करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम फिर से आइए वापस। एक पैर को मोड़ो, रुको, सुप्त बद्रकोणासन, पैर मोड़ो, वन ऐसे, टू दूसरा पैर मोड़ो, थ्री फोर फिर वो वाला पैर लाओ, फाइव सिक्स सेवन एट। जिनको भी पैर में सोते समय भड़कन रहती है, कोई पेन होता है, फिर से करो, क्योंकि यही चीज आपके पद्मासन लगने में हेल्पफुल होगी। ये जो जॉइंट्स हमारा पद्मासन में सुखासन में, ध्यान से देखिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। वेरी गुड। अब इसमें बद्धकोणासन, बैक पेन के लिए दोनों पैर खोल के, नहीं पंजे मिला, हाँ बस। अब ये जितनी आपकी अगर ऊंचाई ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम करेगा, हल्का हल्का सा घुटने पे हाथ लगा के, इससे भी बैक की स्टिफनेस दूर होती है, ठीक है। अब अक्षिता तुम रुक जाओगे, ठीक है, ये तो कर सकते हो, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो अभी तो खैर आपकी बिगनर्स की प्रेगनेंसी है, बाद में तो मना होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक पैर को ऊपर यहां ले आओ, एक ऊपर रख लो, बस आराम से, फिर से डाउन नीचे। ये डायबिटीज के लिए, शुरू के सिक्स मंथ तक, प्रेगनेंसी तक ये भी एक्सरसाइज की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आइए, सांस को छोड़ेंगे, सांस को भरते हुए, एक साइड भरना है एक साइड निकालना है। वेरी गुड, कोशिश करें इस दौरान आपके कंधे ना उठे। अपनी क्षमता अनुसार करने के बाद दूसरी तरफ से, तो आपकी बिल्कुल टोटली रिलैक्स हो जाएंगी बैक मसल्स। वेरी गुड। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। द्रो
द्रौपदी जी का कहना है, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम फ्रॉम दुबई, आई लॉस्ट 9 kg आपका वीडियो देखकर, बट ईट हेल्दी फूड। 9 kg क्या बात है, दुबई पे बैठे हुए लोग 9 kg, अमेजिंग। जो लोग 9 किलो वजन कम कर लेते हैं, अमेजिंग। फ्रूट्स में फैट होता है या नहीं? नहीं जी, बिल्कुल फ्रूट्स कोई भी खाइए। लोग कहते हैं कि ज़्यादा मोटापे में बनाना नहीं खाना चाहिए या चीकू नहीं खाना चाहिए, फ्रूट फ्रूट है। इतना मोटा पनीर टिक्का तो हम खाते हुए नहीं सोचते कि पनीर टिक्का खाना चाहिए नहीं खाए, चीकू सोचते हो, बड़ा सोचते हैं, नहीं सब कुछ खा सकते हो आप, बिल्कुल बेफिक्र है। लेकिन हाँ, एक फ्रूट को खाने के बाद 2 से 3 घंटे का गैप जरूरी है। वो गैप नहीं अगर हम मेंटेन करें, एक केले में 120 कैलरीज है, ये साइंस समझ लीजिए, 120 कैलरीज है। मैंने बताया था 1 मिनट में 1 कैलरी बर्न होती है, तो कितना हो गया, 2 घंटे की डाइट हो गई। लेकिन आपने वजन कम करना है तो एक बनाना खाने के बाद 3 घंटे का गैप है, इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत तो बिल्कुल खाओ। उल्टे लेट जाइए बैक पेन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, 21 मिनट का वर्कआउट, ठीक है? फिर कल मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। हाँ, पनीर टिक्का क्या कह रहे हो?